हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी आपका बैंकिंग ऑफ फ्रॉड के ऊपर ही है। देखो क्या है, अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ कितना, 15 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग जो है हमारे पास वो कितना गिवन है, ये 15 डिग्री गिवन है। ठीक है, एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ अ रेस कार एंड द रोड इज, ठीक है, ये म्यू एस गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। एंड व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑन इट्स टायर। देखो वो स्पीड बताओ जिसमें अवॉइड हो वियर एंड टीयर टायर का। वियर एंड टीयर किससे होता है बताओ जरा, किससे होता है वियर एंड टीयर टायर का? फ्रिक्शन से, समझ रहे हो, फ्रिक्शन से होता है। तो यानी कि अगर हम उसमें फ्रिक्शन जीरो कंसीडर करें, और इसमें फिर वही कहानी है, फ्रिक्शन जीरो कंसीडर करने की कहानी क्या है, देखो जैसे ये आपके पास ये है, ये इसको बैंक्ड कर दिया कितना एंगल थीटा पे। अब जो कार है वो यहाँ है, ठीक है ना, इस तरीके से है, ठीक इस तरीके से है ये कार, यहाँ पर कहोगे कार क्या बना दिया, ठेला सा बना दिया। ठीक है, ये कार है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर भी फ्रिक्शन की कौन सी बात कर रहे हैं कि जब ये यहाँ पर टर्न होगी तो ये इधर इसका मोशन होना चाहेगा लेकिन इधर नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट जिधर मोशन होना चाहता है या हो रहा है उसके अपोजिट क्या लगती है, एक फ्रिक्शन लगती है। जब हो नहीं रहा है मोशन तो उसके अपोजिट जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा होता है हमारे पास, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन में भी कौन सा होता है वो बताओ, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे हम। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते। तो उसमें म्यू एस आता था, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आता था उसमें, म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन लेते थे हम। ठीक है, कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आता था। तो अगर यहाँ पर वी एंड टीयर की बात कर रहा है कि वो टायर की अवॉइड की जाए, तो देखो फ्रिक्शन कौन सा अवॉइड किया जा सकता है, ये वाला, ये जो इस साइड लग रहा है। अब कभी भी कहो कि ये वाला फ्रिक्शन, अब ये एक्चुअल मोशन इधर हो रहा है तो एक फ्रिक्शन इधर भी लग रहा होगा, इसकी नहीं बात कर रहे हम, ये तो लगी रहा है, ऑब्वियस बात है, ये मूवमेंट हो रही है तो उसके अपोजिट में क्या होगा, एक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन जब आप टर्न करते हो तो इधर जाने की कोशिश करती है गाड़ी, जा नहीं रही है लेकिन, तो वो क्या है, फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड भी, मोशन इधर इधर होना चाहता है लेकिन नहीं हो रहा है तो उसके अपोजिट क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर है इतनी बात, ये नहीं, तो इस फ्रिक्शन को हम अवॉइड कर सकते हैं, वो कैसे कि हम ऐसे इतनी स्पीड लें कि इधर क्या लगे, इधर ये जाने की कोशिश ही ना करें तो इधर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, समझ पा रहे हो। तो वो हमने निकाला था केस किस में, जब फ्रिक्शन जीरो था, तो वो केस ही लगने वाला है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि व्हेन नो फ्रिक्शन दैट इज नो वियर एंड टीयर ऑन टायर, मतलब क्या है, टायर बिल्कुल सही है, उसकी वजह से टायर नहीं खराब हो रहे। देखो ऑब्वियसली बात है, जब कहीं पर स्किट लगती है या आप मोड़ पे मोड़ते हो तो ऑब्वियसली बात है जो टायर हैं वो घिसते हैं, समझ रहे हो, इसलिए कहते हैं कि आगे वाले जो टायर्स होते हैं ना उनको रोटेट कर देना चाहिए पीछे थोड़े टाइम बाद। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर या 20,000 पे बोलते हैं, ठीक है, कि उनको रोटेट कर दो टायर्स को। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जब मोड़ते हैं तो अगले टायर्स पे सबसे ज़्यादा वो होता है, क्योंकि अगले ही मुड़ते हैं, ठीक है ना, पीछे तो उसके साथ साथ चल रहे हैं लेकिन स्टेयरिंग तो अगले वालों को ही कर रहा है, तो उसकी वजह से ये घिस जाते हैं, तो तभी बोलते हैं कि इनको पीछे कर दो और ये पीछे वाले आगे कर दो, समझ रहे हो। तो वो ये चीज़ कह रहा है कि अवॉइड करें वियर एंड टीयर ऑन टायर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि यहाँ पर जब मोड़ेंगे तो इसको इतनी स्पीड में मोड़ें कि इधर ये जाने की कोशिश ना करें तो इधर भी फोर्स नहीं लगेगी, यानी कि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है, तो यही नो फ्रिक्शन वाला केस, यानी कि जीरो फ्रिक्शन होगा तो हम उस केस में क्या करते थे, जल्दी से बताओ, म्यू एस जीरो लेते थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारे पास फिर स्पीड आती थी जब हम ड्राइव करते थे, तब हमारे पास v इज इक्वल टू में कितना आता था, आर जी टेन थीटा आता था। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी एयरक्राफ्ट वाले में। ठीक है, तो अब आपको कहानी समझ में आ रही होगी, फ्रिक्शन जीरो कैसे लेना है, एक तो एयरक्राफ्ट वाले में ले लेना है, ठीक है, ऐसे समझना है आपको, और एक जिसमें वियर एंड टीयर कह रहा है अवॉइड करना है तो उसमें फ्रिक्शन जीरो होगा। तो आप स्पेशल केस आपको समझ में आ रहा होगा जो हमने किया था बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स में। ठीक, तो आप कर सकते हो इसको, देखो ये ए पार्ट सोल्व हो रहा है पहले तो इसका, ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड कह रहा है जो वियर एंड टीयर को अवॉइड करना है टायर को। तो आर इसमें कितना गिवन है हमें, आर है 300 मीटर, ठीक है, तो 300 हो गया ये, और जी हम इसमें 10 कंसीडर करेंगे, और 10 15 जो था आपको पता है 0.2 कितना था हमारे पास, ये यहाँ पर देखो ज़रा 2679, और इसको हमने अप्रोक्सीमेट 268 ले लिया था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी यही था ना, तब मैं आपको कह रहा था कि देखो ज़रा कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.268, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 3000 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 268 का जब पॉइंट हटाएंगे तो ये 1000 लग जाएगा, ये इससे कैंसिल, और 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 268 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना इसको। ठीक है, मैंने तो किया हुआ है ये मल्टीप्लाई, तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 804 आएगा, और इसका आप स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, आपको पता ही है
ठीक है, स्क्वेयर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो 804 ये पेयरिंग बनेगी इधर, ये अब किस पे जा सकता है, 2 2 4, ये सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, नहीं आता है तो क्लास 8 की वीडियोस देखो जाके, ठीक है, वहाँ से समझ में आएगा। 8 में से 4 गया 4, ये पूरा पेयर उतरेगा, इसमें ऐड करेंगे 2 ही, तो 4 आ गया हमारे पास। अब देखो किस पे जा सकता है, ये 8 पे जा सकता है, तो 8 पे करते हैं, 8 का 64 एंड 84 का 32 एंड 6 कितना हो गया 38। अब ये 0 10 में से 8 गया 2 और इधर 0, और अब देखो यहाँ पर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ दो जीरोज हम खुद से लगाएंगे पॉइंट लगा के, इसमें पेयरिंग में ही जीरोज आती है, जैसे डिवीजन में तो सिंगल जीरो होती है ना, यहाँ पेयरिंग में आती है, तो दो जीरोज आ गई तो यहाँ भी पॉइंट लगेगा, और इसमें ये 8 ऐड होगा, ये लास्ट वाला था ना, 8 ऐड होगा, 8 16 और 4 और 1 कितना हो गया 5, ठीक है, क्लियर है। और अब देख लो ये किस पे जाएगा, अब ये 3 पे चल जाएगा, ये 3 पे चल जाएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो 28.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप यहाँ पर मूव करोगे सर्कुलर ट्रैक पर रेसिंग कार को, तो वैसी बात है वियर एंड टीयर अवॉइड होगा टायर का, बिकॉज फ्रिक्शन ही नहीं होगा वहाँ, ठीक है, क्लियर। बी पार्ट की बात करते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड द स्लिपिंग। अब ये मैक्सिमम की बात कर रहा है स्पीड की, कि अवॉइड करने स्लिपिंग, अब वियर एंड टीयर की कहानी नहीं कह रहा, तो इस केस में आपको पता है बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स में वी मैक्स का जो फॉर्मूला था, वो जल्दी से बताओ जरा क्या फॉर्मूला था हमारे पास, ये था स्क्वायर रूट में आर जी म्यू एस प्लस में टेन थीटा एंड 1 माइनस में म्यू एस टेन थीटा, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं वैल्यूज को, देखो अंडर रूट में आर कितना है 300 और जी कितना है 10, म्यू एस कितना है 0.2 और टेन 15 की वैल्यू थी हमारे पास 0.268 अपॉन में 1 माइनस में 0.2 म्यू एस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और टेन थीटा यानी कि वही है 0.268, ठीक है, म्यू एस 0.2 मल्टीप्लाई कर दिया 10 15 में, 10 15 की वैल्यू ये है आपके पास, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर, देखो ये 3000 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 0.2 इसमें ऐड करो, देखो 0.268 में 0.2 ऐड करोगे तो 0.468 आ जाएगा, ठीक है, तो 0.468 आ गया। 1 माइनस, अब 0.2 को जब आप 0.268 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास आएगा 0.0536, करके देख लेना ये, ठीक है। तो 1 में से अब ये माइनस जरूर करके दिखा देता हूँ आपको, देखो 0.0536 ऐसे करते हैं, ठीक है ना, 1 के आगे उतनी चीज़ों से लगा दो जितनी यहाँ पॉइंट के आगे हैं, ठीक। तो अब 1 तो बड़ा वैल्यू है ना, ये तो 0 समथिंग है, तो 1 में से ये माइनस कैसे होगा, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गया आपके पास 6, फिर 9 में से 5 गया 4 और यहाँ क्या बच गया आपके पास 9, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ये 3000 है ना, ये 3000 है, ठीक, इसमें मल्टीप्लाई है 0.468 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 1000 लग जाएगा, तो उसकी ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगी इससे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 3 × 468, समझ गए ना कैसे, पॉइंट हटा के जीरोस जो लगी वो इससे 3000 से कट गई, ठीक है, अपॉन में। अब 1 में से जब हमने माइनस किया 0.0536, तो ये आ गया आपके पास 0.9464। अब देखो यहाँ पर 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 468 को, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी आपके पास, ये आ जाएगी 1404 अपॉन में, ये कितना है आपके पास 9464। अब देखो ऑब्वियस बात है, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 10000, ठीक है, तो मैं उस 10000 को यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर 10000, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो इसमें हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं ईजी बनाने के लिए, देखो ये 1404 है ना और ये 9464 है, इसको मैं अलग से यहाँ पर देखो, देखो 27 दा 0 और 22 दा और 24 दा 27 दा 23 दा 22 दा, फिर 2 पे 23 दा 25 दा 21 दा और ये 22 दा 23 दा 6 26 दा 12 26 दा 12, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं, इजी है बड़ा, 351 आ गया और 9464 का करके आया 2366। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, दो जीरोज यहाँ ले लेता हूँ, समझ रहे हो, और यहाँ क्या बच गया 100 बच गया, अब दो जीरोज तो यहाँ लगा दी, क्या बचा 100 का रूट करेंगे तो 10 आएगा, तो ये मैंने 10 बाहर लिख दिया, ठीक है। अब जब इसको आप 10 हो गया ये, ठीक है, अब इसको जब आप डिवाइड करोगे ना 35100 को 2366 से जब आप डिवाइड करोगे, तो ये आपके पास आएगा 14.83, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं अब इसको, समझ रहे हो, ये आया 10 रूट में 14.83, तो इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 100 लग जाएगा, अब 100 भी रूट में ही है ये वाला, तो ये बाहर जाके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो नीचे 10 आ जाएगा और ये रूट में क्या है 1483।
और 1483 का जब आप जो लॉन्ग डिवीजन से ही स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 38.5, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड ये आ गए, तो मैक्सिमम ये स्पीड हो सकती है इसकी 38.5 मीटर पर सेकंड से अगर ये यहाँ पर इसको मूव करें। देखो अब आपको लगेगा कि यार ये रेसिंग कार है और ये स्पीड है, इतने में तो हम घर पे भी नहीं चलाते अपने, मतलब जो नॉर्मल अपनी कार्स हैं वो भी नहीं चलाते हम रोड पे, इससे तो ज़्यादा ही रखते हैं, और ये तो रेसिंग कार है। तो देखो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये बड़ी चीज़ों पर भी अप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या दिया हुआ है आपको, सिर्फ एक कहते हैं ना आपको एक समझाने के लिए सिस्टम दिया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में आती हैं ये क्वेश्चन तो मैंने बोला, ठीक है ना। तो वो ऑब्वियस बात है बड़े लेवल पे भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर में होती है जैसे स्पीड गाड़ियों की, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो क्या होंगे फिर न्यूमेरिकल बड़े हो जाएंगे। तो वो ये नहीं चाहता कि न्यूमेरिकल बड़ा करे, वो ये देखना चाहता है कि आप में दिमाग है इतना कि ये क्वेश्चन सोल्व कर सको इस टाइप के, ये उसका मोटिव है। समझ रहे हो बात को, कर लोगे क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू।